स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब के शौकीन लोगों की मांग पूरी करने के लिए तस्कर रोज नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी में काफी ज्यादा मुनाफा होने के कारण इसका धंधा काफी फलफूल रहा है। ताजा मामला बिहार के सहरसा से है, जहां एक बार फिर उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ई रिक्शा पर लदा विदेशी शराब बरामद किया। वहीं कारोबारी व चालक मौके से भागने में कामयाब रहे। दरअसल गुरुवार को दोपहर उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के समीप शराब तस्कर द्वारा ई रिक्शा से विदेशी शराब एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में उत्पाद अधीक्षक अस्मिता प्रीतम के नेतृत्व में निरीक्षक मध्य निषेध संजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक अवर निरीक्षक मध्य निषेध मुकेश कुमार, अवर निरीक्षक मध्य निषेध इंद्रमणि एवं पुलिस बल द्वारा उक्त ई रिक्शा का पीछा किया गया, तो पुलिस को आते देख कर तस्कर व चालक हवाई अड्डा के समीप शराब लदा ई रिक्शा छोड़ कर फरार हो गए। जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अस्मिता प्रीतम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हवाई अड्डा के समीप शराब तस्करों द्वारा ई रिक्शा से विदेशी शराब ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में छापेमारी कर शराब लदा ई रिक्शा जिसका नंबर BR11ER0499 को जब्त किया गया है, जबकि कारोबारी व चालक मौके से भागने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि एक ई रिक्शा पर लदे अरुणाचल प्रदेश निर्मित ऑफिसर च्वाइस ब्लू ब्रांड की 297 बोतल जिसकी कुल मात्रा 102.803 लीटर है, जिसे जब्त किया गया। श्रीमती प्रीतम ने कहा कि जब ई रिक्शा का इंजन व चेसिस नंबर डीटीओ ऑफिस भेज इसके मालिक का पता कर और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई हवाई फील्ड के पास, जहां से कुल 297 बोतल शराब पकड़ी गई है, जिसमें से 253 बोतल 375 ml की है और 180 ml की 44 बोतल, कुल 102.8 लीटर शराब है, एक ई रिक्शा में से जब्त की गई। कारोबारी भी पकड़ा है? नहीं, कारोबारी नहीं पकड़ाया है, छानबीन कर रहे हैं, उस पर आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी वाहन मालिक पर, कार्रवाई होगी चालक पर, कार्रवाई होगी। ये कहाँ से पड़ा? मतलब ये हवाई फील्ड के पास से। कोई जमीन पर अनलोड कर रहा था किसी कैंपस में? नहीं, हाँ, हमारी गाड़ी को देख के अनलोड कर रहा था, वो भाग गया है, तो कुछ एक दो पेटी उतारा गया था, बाकी ई रिक्शा पर ही लोड था। कारोबारी का नाम अभी नहीं आया? नहीं, कारोबारी का नाम नहीं आया है, ये हम लोग डीटीओ ऑफिस से पता लगाएंगे, उसके बाद वाहन मालिक पर कार्रवाई करेंगे। कहाँ से ये निर्मित शराब है और कहाँ लाया ये? अरुणाचल प्रदेश निर्मित है और फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है। क्या, कौन सा ब्रांड है ये? ऑफिसर्स चॉइस।